नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरोहा टीवी और मैं हूं आपके साथ सुनैना सिंह। आज हम अमरोहा टीवी पर उन तीन बड़ी खबरों की बात करेंगे जिनका सीधा सरोकार आपसे है। ये वो खबरें हैं जिनको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो पहली खबर है, सीएम योगी ने गरीबों को लेकर जो योजनाएं धरातल पर उतारी हैं उसमें जो फर्जीवाड़ा हो रहा है उसको लेकर है। दूसरी बड़ी खबर है अमरोहा में जगह जगह फैली गंदगी को लेकर। कोरोना के इस दौर में अमरोहा में तमाम जगह पर प्रशासन और नगर पालिका की अनदेखी के चलते गंदगी का अंबार लगा हुआ है। वहीं तीसरी बड़ी खबर है लॉकडाउन को लेकर। हालांकि कोरोना के बाद लॉकडाउन खुल चुका है, वहीं लोग लॉकडाउन खुलने के बाद बिल्कुल ही लापरवाह हो गए हैं। तो रुक करते हैं पहली खबर का, जो है अमरोहा के धनौरा से। सीएम योगी ने जब से सत्ता संभाली है तब से वो लगातार गरीबों के लिए नई योजनाएं ला रहे हैं। उनका मेन उद्देश्य है कि गरीबों को वो सारी सुविधाएं मिल सके, वो सारा सरकारी लाभ मिल सके जो गरीबों को दिए जाने चाहिए। लेकिन इसी में अमरोहा के धनौरा के राशन डीलर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। दरअसल ये फर्जीवाड़ा राशन को लेकर है, जहां पर एक राशन कार्ड में तीन अलग अलग जातियों के लोगों के नाम दर्ज है। और इतना ही नहीं, राशन कार्ड किसी और के नाम पर है और गरीब को मिलने वाला राशन किसी और को दिया जा रहा है। हालांकि राशन डीलरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि जो लोग मृतकों की संख्या में है, जिनका नाम मृतकों की सूची में है, वो उनके नाम का भी राशन लोगों में बांट रहे हैं। फर्जीवाड़े के जरिए वो दूसरे लोगों को दे रहे हैं। तो ये अमरोहा के धनौरा में फर्जीवाड़ा है, जो राशन है, जो गरीबों का राशन है, उनके ऊपर सीधा डाका डाला जा रहा है। मेरा मामला ये था, मैंने पहले अपना राशन कार्ड बनवाया था, उसको काट दिया गया था। मैंने उसकी शिकायत 1076 पे की थी। 1076 पे खाद्य पूर्ति विभाग अधिकारी ने उसकी रिपोर्ट शासन को भेज दी कि आवेदककर्ता के पूर्ण में कागज पूरे नहीं जमा कराए गए थे, इसलिए उनका कार्ड निरस्त किया गया है। और आवेदककर्ता को सूचित किया गया है कि आप अपने कागज दोबारा जमा कराएं, आपका कार्ड दोबारा बना दिया जाएगा। मैंने फिर दोबारा कागज जब ऑनलाइन कराने के लिए दिए तो मुझे मालूम हुआ कि मेरा कार्ड पहले ही ऑनलाइन चल रहा है और उस पर कोई और राशन ले रहा है। उसके नीचे 4 यूनिट और जोड़ रखी है और मेरे संज्ञान से बाहर था और आज तक भी उस पर राशन लिया जा रहा है। बरोबर ऐसा है, एक व्यक्ति मेरे पास जो है राशन कार्ड बनवाने के लिए आया था और जब मेरा जनसेवा केंद्र है, जनसेवा केंद्र चलाता हूँ मैं, उसमें वो जब व्यक्ति मेरे पास राशन कार्ड बनवाना आया, जब मैं उसको ऑनलाइन शुरू करा तो उसने ये जवाब दिया ये राशन कार्ड बना हुआ है। और जो उसको देखा, उसकी जांच पड़ताल करी तो उसमें एक जो है छोटी सी लड़की के नाम पे वो राशन कार्ड बना रखा। उस लड़की से अपने पहचान की लड़की है वो, उसके कई सारे यूनिट उसमें जोड़ रखे हैं और उस लड़की से अंगूठा लगवा लेते हैं ये और जो सारा का सारा राशन निकल जाते हैं। वही दूसरी बड़ी खबर है अमरोहा के नगर पालिका की, जो है कुरेशी मोहल्ले की। यहाँ पर नगर पालिका की अनदेखी की वजह से गंदगी का अंबार लग चुका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों को गंदगी में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। एक तरफ कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म भी नहीं हुई है, तीसरी लहर की आशंका लगातार जारी है। उस बीच प्रशासन, नगर पालिका आंखें मूंद कर बैठा है। अमरोहा में गंदगी का अंबार है। हमने आपको कल भी एक खबर दिखाई थी जो गजरौला के कासिमाबाद गांव की थी, जहां पर नाले का गंदा पानी सड़कों पर आ गया था और लोग उसी गंदे पानी में जा गुजरने को मजबूर थे। तो ये जो मामला है यहाँ पर कुरैशी मोहल्ले का है, जहाँ पर लोगों ने पालिका के खिलाफ, वार्ड नंबर 27 के लोगों ने पालिका के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी किया और उनसे गंदगी को साफ कराने की गुहार लगाई है। लेकिन पालिका प्रशासन अपनी आंखें मूंदे बैठा है, अनसुना बना बैठा है और लोगों को गंदगी में रहना पड़ रहा है। अब बात करते हैं तीसरी खबर की, जो है आदमपुर से। दरअसल कोरोना लॉकडाउन खत्म हो चुका है, सभी व्यवस्थाएं धीरे धीरे खुल रही हैं। इसके साथ ही लोग लापरवाह हो गए हैं। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आदमपुर के लोग बिल्कुल लापरवाह हैं। वो बिल्कुल बाजारों में इस तरीके से घूम रहे हैं जैसे कि कोरोना अब खत्म हो चुका है, उनको कोरोना हो नहीं सकता या उसका खतरा या उसका संक्रमण उनके ऊपर हावी नहीं हो सकता। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें आप साफ देख सकते हैं कि जो साप्ताहिक बाजार अमरोहा के आदमपुर में लगा है, वहां पर जो लोग सामान खरीदने आए हैं
वो बिना किसी मास्क के हैं। इसके अलावा दुकानदार भी बिना मास्क के ही सामान बेच रहे हैं। मास्क तो बात अलग है, इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं हो रहा। जहां पर देश में तीसरी लहर की आशंका लगातार जारी है, स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर मुस्तैद है। वहीं आदमपुर गांव के लोग जो हैं, आदमपुर की जो जनता है वो कोरोना को लेकर कितनी सतर्क और मुस्तैद है, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अमरोहा की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए अमरोहा टीवी के साथ। नमस्कार।